अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहे हैं रणवीर सिंह और रेडमी इंडिया वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं रणवीर सिंह ने यहाँ पे ये जो है वीडियो दोस्तों पोस्ट किया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं रेडमी इंडिया ने और मनु जैन ने यहाँ पे जो है कंफर्म कर दिया है कि वो जो है बहुत जल्द लेके आ रहे हैं आप सबके लिए मोस्ट अवेटेड जो रेडमी की सीरीज होती है रेडमी नोट 9 सीरीज। जी हाँ, तो रेडमी नोट 9 सीरीज यहाँ पे दोस्तों लॉन्च करने जा रहा है रेडमी इंडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, कब ये जो है वो लॉन्च होने जा रही है, साथ ही साथ इस फोन की जो है फर्स्ट लुक, सारी चीजें दोस्तों बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ बताऊंगा कि क्या जो है इसकी प्राइस हो सकती है। तो यार पूरी देखिएगा वीडियो, अगर अच्छी लगे तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी दोस्तों। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों रेडमी नोट 9 के सबसे पहले तो लॉन्च इवेंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया इन्वाइट्स यहाँ पे आ गए हैं, टीजर भी यहाँ पे जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे ये जो है लॉन्च होगा दोस्तों 12 मार्च 2020 को Redmi Note 9 सीरीज जो है वो लॉन्च करने जा रहा है Redmi इंडिया। और यहां पे दोस्तों ज्यादातर लोग तो ये बोल रहे हैं कि दो फोन यहां पे जो है वो लॉन्च होंगे, Redmi का Note 9 और Redmi Note 9 Pro। बट यहां पे मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि यहां पे दो नहीं बल्कि तीन फोन यहां पे जो है वो लॉन्च होंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पे आपको ये ट्वीट दिखाऊं मनु जैन का, तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि माई मेन मैन रणवीर ऑफिशियल, जिन्होंने इसको जो है वो टीज करना शुरू किया है, ऑफकोर्स 9 आएगा एंड इट विल बी हियर वेरी सून। तो इस ट्वीट में दोस्तों आप देख सकते हैं जो 9 है बोल्ड करके जो डिजिट है वो 3 बार दिया गया है। साथ ही साथ लास्ट जो लाइन हिंदी में लिखी गई है 9 से 12 होने का टाइम आ गया है। तो यार 9 प्लस 3 कितने हुए 12, तो इसी हिसाब से दोस्तों आप ये मान के चलिए कि तीन प्रोडक्ट यहां पे जो है वो लॉन्च हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेडमी इंडिया ने भी एक ट्वीट किया है, यहां पे आप देख सकते हैं इसमें भी यहां पे जो आप देखेंगे 3 बार जो है वो 9 डिजिट जो है वो बोल्ड करके लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से यहां पे दो नहीं बल्कि तीन फोन यहां पे जो है वो रेडमी लॉन्च करेगा, रेडमी 9, रेडमी नोट 9 और रेडमी नोट 9 प्रो। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। और यहां पे आप इस फोटो में अगर देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे ऑफिशियली ये चीज जो है वो कंफर्म हो गई है, कुछ ऐसा आपको यहां पे जो है बैक वाली साइड दोस्तों डिजाइन देखने को मिलेगा। क्वाड कैमरा का सेटअप तो मिलेगा ही, बट इस बार जो चारों कैमरास हैं ऐसे कुछ स्क्वायर शेप्ड कैमरा जो है आपको यहां पे जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जो है काफी अच्छा डिजाइन इस बार जो है वो रेडमी लेके आ रहा है। बाकी आपको ये डिजाइन कैसे लगा नीचे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं ये जो बैक मिलेगी आपको यहां पे पॉलीकार्बोनेट नहीं बल्कि आपको यहां पे जो है ग्लास बैक जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें अगर फ्रंट साइड की तो 6.6 इंच की आपको यहां पे जो है वो डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। और फ्रंट में जो कैमरा होगा वो दोस्तों आपको यहां पे जो है पंच होल डिजाइन वाला कैमरा जो है वो देखने को मिलेगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि पंच होल कैमरा जो है वो सेंटर में होगा, लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा, अभी एज सच ये जो चीज है वो कंफर्म नहीं है। इसके अलावा रेडमी नोट 9 में दोस्तों आपको जो है 48 मेगापिक्सल का जो है क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिल सकता है। और यहां पे जो है वो रेडमी नोट 9 प्रो में आपको यहां पे जो है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल अगर सेंसर की बात करो तो यहां पे आपको सोनी का IMX686 जो कि लेटेस्ट सेंसर है वो आपको यहां पे जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर इसके हर्ट यानी कि इसके प्रोसेसर की तो जो रेडमी नोट 9 है उसमें तो आपको स्नैपड्रैगन का 720G जो है वो देखने को मिल सकता है। और बात करें अगर रेडमी नोट 9 प्रो की तो उसमें जो है मीडियाटेक का नया नवेला डोमेस्टी 805G वो शायद से आपको जो है वो देखने को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पे जो है ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलेगा। और यहां पे जो बेस वेरिएंट है वो दोस्तों 6GB 64GB से जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और यहां पे दोस्तों इसके जो बाकी टीजर जो खुद जो है कंपनी ने जो है कंफर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर देखें तो यहां पे आपको जो है 20 डिजाइन देखने को मिलेगा, डिजाइन के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके अलावा आपको यहां पे जो है 20 प्रोसेसर, 20 गेमिंग और 20 चार्जिंग का यहां पे जो है वो फीचर जो है वो देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको यहां पे जो है फास्ट चार्जिंग जो है वो देखने को मिलेगी, ये भी यहां पे जो है इन्होंने कंफर्म कर दिया है। और यहां पे दोस्तों लीक्स ये निकल के आ रही है कि यहां पे आपको जो है 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो है बैटरी आपको 4000 mAh से ऊपर ही यहां पे देखने को मिलेगी Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro में। और बात करें दोस्तों Redmi Note 9 Pro की तो उसमें एक और बेस्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा, 90 हर्ट्ज़ की आपको यहां पे जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसके OS की तो यहां पे आपको जो है वो Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसके ऊपर दोस्तों रन हो रहा होगा MIUI 11। और दोस्तों बात करें अब इसके प्राइसिंग की तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि 6GB 64GB जो वेरियंट है इसका जो है वो लॉन्च हो सकता है, अगर बेस वेरियंट वो जो है वो लॉन्च होता है तो दोस्तों उसकी प्राइस जो है वो 14999 यहाँ पे जो है वो हो सकती है।
होती है Redmi Note 9 Pro की, और जो Redmi Note 9 का जो बेस वेरिएंट होगा वो दोस्तों आपको जो है वो 10,999 से देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है किस प्राइस में ये जो है वो लॉन्च होना चाहिए, नीचे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। बस यार अब वेट है सिर्फ और सिर्फ 12 मार्च का। उससे पहले दोस्तों जो भी मेरे पास यहाँ पे जो है कंफर्म जो है स्पेसिफिकेशंस आएंगी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूंगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जो है वो बेल बटन दबा लो ताकि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन दोस्तों मिल सके। और हाँ दोस्तों एक चीज और ध्यान में रखना कि अभी जैसे कि आपको पता है कि Realme का भी जो 6 और 6 Pro लॉन्च होने जा रहा है, तो यार अभी वेट कर लेना, देख लेना दोनों में क्या स्पेसिफिकेशंस एक्चुअल में निकल के आती हैं, उसके बाद ही यार मन बनाना फोन कौन सा आपने जो है वो लेना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाना, तभी आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।